तो और मेरी जान दीदी हमारी की शान, कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई देखो, फिलहाल तो वैसे तो मैं वॉन्टाज वगैरह डालता रहता हूँ, लेकिन आज हमारे लायन भाई ने कहा कि यार 20 किल्स का गेम प्ले बनाते हैं और उसको अपलोड मारना। मैं कहा चलो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, बना लेते हैं, वैसे भी अपने 20-30 किल्स तो हो ही जाते हैं। इसी के साथ उतर जाते हैं मिल्टा पावर और मेरे हाथ लग जाती है DBS और AKM और साइड में से 2 बंदे। अब देखो जरा इनका हल क्या होता है। तो भाई लोगों, इन लोगों को तो आराम से निपटा देते हैं और इनको निपटाने के बाद मेरा टीममेट यानी लैन भाई अपने कहते हैं कि यार साइड में भी बंदा है, ठीक है वहाँ चलते हैं। अब मैंने कहा कि चलो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है। वो बंदा बिल्कुल भी कोई साउंड इफेक्ट कुछ नहीं दे रहा था, मतलब फुट प्रिंट वगैरह कुछ नहीं आ रहे थे उसके। अब मैं अंडा पुश कर देता हूँ उसके ऊपर। अब देखो तो भैया यहाँ पर बैठे होते हैं ये दरवाजे के पीछे हमारे लाइन भैया, इसको भर देते हैं। अब इसको भरने के बाद हमें लगता है कि यार शायद से मिल्टा पावर खाली हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आगे चल के हमें यहाँ पर बंदे मिल जाते हैं। अब देखो उनको कैसे भरते हैं। Watch out! दो है के अंदर। अब भैया इन दोनों को तो कर देते हैं फिनिश, वो भी बोट बाबा के आशीर्वाद से जो हमने सबसे पहले उनसे ले लिया था। अब यहाँ पर हमारे लैन भी है तो घुटनों पर आ चुके थे, उनको देते हैं रिवाइव सबसे पहले और इनको रिवाइव देने के बाद चलते हैं अपनी बग्घी लेकर आगे की ओर। अब आगे आप देखना क्या होता है। तो गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे टीममेट की सस्ती ड्राइविंग। अब ये देखो भाई, कसम से अगर आपका ऐसा टीममेट होता तो आप उसको क्या कहते। हम अपने लैन वे को कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हो सकता है वहाँ पर गड्ढा था फायर के बीच में। अब यहाँ होते हैं 2 बंदे जिसको मैं फायर देता हूँ। अब मेरे लैन वे कहते हैं यार थोड़े बहुत कुछ मोली चोली फेंक देते हैं और नेट वेट कर लेते हैं, थोड़ा बमबारी कर लेते हैं और फिर ऊपर चलेंगे। मैं कहता हूँ चलो ठीक है। अब मैंने नेट वेट तो मारे लेकिन साला कोई मरा ही नहीं। मैं सोचता हूँ यार एक मोली और निकाल के मार दूँ। मैं जैसी मोली करता हूँ, मोली करने के बाद हमारे लैन भैया कहते हैं कि चल घुस जा लेजेंड, घुस जा तेरे पीछे से मैं आ रहा हूँ। अब देखो अब मोली करके घुस ही जाता हूँ मैं। अब जब घुसता हूँ तो भाई अगर वो सीन आपको पसंद आया ना तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना। तो गाइस इन दोनों को तो क्या ही मारा है, जब मैं एक को फायर दे रहा था दूसरा खुद ब खुद फायर मार जाता है। अब उसको भी कुछ हेड लग जाते हैं तो वो भी पूरा ख़त्म हो जाता है। हमारे लाइन भैया कहते हैं भाई तुम तो गोड हो रहे हो कतई। अब मैं कहता हूँ भैया गोड तो हो रहे हैं लेकिन कुछ नहीं पता यहाँ पर वो बंदे कब टपक जाएँ। इतने में मेरा फ़ोन थोड़ा सा लैग होने लगता है और यहाँ आ जाती है एक गाड़ी जिसमें होते हैं 2 लाख बंदे। अब उनको देखो कैसे भरते हैं। अब भाई एक को तो मैंने नॉक कर दिया था, ठीक है। अब एक को नॉक करने के बाद हमारे लैन भैया तो घुस जाते हैं। लैन भैया कहते हैं जल्दी आ भाई लेजेंड जल्दी आ, क्या कर रहा है। मैं कहता हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, मेरे पीछे कोई रॉकेट थोड़ी लगा हुआ है। अब देखो ये कैसे जा रहे हैं, अब भरते हैं इनको भी। अब भाई कसम से इन दोनों की दोस्ती का तो क्या ही कहना, ये दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं सकते थे भाई, क्या कर सकते हैं। दूसरा बंदा कह रहा होगा ना भाई तू मुझे रिवाइव दे दे मैं उसको मार दूंगा आराम से। यही होता है ना जब अपना एक टीममेट नॉक होया पड़ा होता है और दूसरा चिल्ला रहा होता है कि यार रिवाइव दे दे रिवाइव दे दे, ऐसा कभी नहीं करना होता। अगर फाइट ले सकते हो तो फाइट लेना, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रिवाइव दे देना। बोट बाबा का आशीर्वाद ले लेते हैं भाई, यहाँ पर हम ले लेते हैं अपने बोट बाबा का आशीर्वाद। और बोट बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद मैं कहता हूँ लैन भाई चल चल रहे हैं यहाँ से और बग्घी उठा बंदे ढूंढते हैं। अब यहाँ था ड्रॉप और यहाँ खड़ी थी एक बग्घी, तो हमारे लैंड भाई कहते हैं यार यहाँ आगे बंदा है शायद, कहीं ना कहीं साफ बना होगा।
तो लैंड भाई कहते हैं देख इधर, अभी जब ही साउंड आया मेरे को, मैं कहता हूँ चलो, और इधर आ जाती है एक दासिया। अब देखो वो कैसे किल चुराता है और मैं कैसे चुराता हूँ। तो ये बता तेरे को ये कैसे लगा? मैंने अब भाई कसम से लास्ट वाला बंदा हमारे लायन भाई को खा ही जाता। तो फिलहाल हमने सबको निपटा दिया है और उसने भी हमारे दो किल निपटा दिए हैं। ठीक है, हम देते हैं लायन भाई को रिवाइव और आएंगे अब बोट बाबा, जिससे हम आशीर्वाद ले लेंगे। अब बोट बाबा से आशीर्वाद लेने के बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे, जहाँ पर मिलती है हमें एक पगी। इसमें होता है एक शराबी लोंडा। अब भाई ये क्या ही बंदा था, पता नहीं क्या था बंदे को। सामने दिख रहा है कि यार कोई फायर कर रहा है, उधर फायर दो, लेकिन नहीं, ये शायद से टीवी देख रहा था तो हमने इसको देख लिया था, तो हमने इसको पेल दिया। उल्टा हो गया, ये हमें पेलने आया था, हमने इसको पेल दिया। ठीक है, हम इसको पेलने के बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे वापस अपार्टमेंट, जहाँ पर हमें मिलती है सैनमोल भाई की गाड़ी। अब इनकी हम सेवा समाप्त कर देते हैं। अब भाई हमारी ग्रोजा आ जाती है रिलोडिंग पे, तो हमने इसको M4 से पेल दिया। और हमारे लाइन भैया कह रहे थे यार इतनी जल्दी फायर क्यों दिया, थोड़ा क्लोज होने देता, लेकिन क्या कर सकते हैं, किल की भूख को हम कैसे मिटा सकते हैं, किल करके ही भूख मिटा सकते हैं ना, तो मैंने इसीलिए थोड़ा जल्दी फायर दिया। अब यहाँ होता है एक सांप इच्छाधारी जो मेरे को डंक मारेगा। देखो जरा, अब भाई हमारे लायन भैया कह रहे थे कि यार बंदा वहीं पर है, वहीं पर है, वहीं पर है, लेकिन मेरे को बंदा दिखाई नहीं दे रहा था यार। या तो मेरी आंखें खराब थी, मतलब मेरी स्क्रीन खराब थी, या फिर उस बंदे की किस्मत खराब थी कि वो मेरे हाथों नहीं, लायन भैया के हाथों पेटा। अब वहाँ से मेरे को रिवाइव मिल जाता है। यहाँ देखो, यहाँ मिलता है हमें एक और सांप जो देता है फायर। हमारे लैंड भैया कहते हैं यार तुम मेरे पीछे पीछे आ, फिर बढ़ते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, रिश्ते जाते हैं, लेकिन नहीं, हमारे भैया कहते हैं कि इधर से आ, इधर से रिश्ते चलते हैं। मैं कहूँ उधर से जाओ, इधर से, बात एक ही है। हमारे लैंड भैया कहते हैं देखो सामने बंदा है, अब उसको मारना है। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ, फिर देखो इसको कैसे बढ़ते हैं। इच्छाधारी सांप है ये। भाई इसने तो यार सांप वाली प्रजाति की पूरी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी, जिसको और बाकी जो अपने सांप हैं उनको छान छान के निकालना पड़ेगा। लेकिन जो आगे सांप दिखने वाला है ना, लगता है वो मिलने ही नहीं देने का मिट्टी में से। अब देखो ये राधे के सांप मार जरा। अब गाइस हमारे जो एंड्रॉयड फ़ोन है ना, उसने थोड़े से नशे कर लिए थे, तो हमारा जायरो वायरो कुछ हिल नहीं पा रहा था, अटक गया था एक जगह पर। लेकिन हम थोड़ा सा फ़ोन को झटकते हैं और उठा के पटकते हैं, तो हमारा जायरो जो है वो एकदम सही हो जाता है और हम इसको पेल देते हैं। नहीं तो ये हमारे एक टंक मारता और हम यहीं पर नॉक हो जाते हैं। लेकिन हमारे लैन भैया बचा लेते। हमारे लैन भैया कहते हैं यार चल ग्लाइडर उड़ाते हैं। मैं कहता हूँ चल भाई ग्लाइडर उड़ाएंगे। अब मैं यहाँ से ग्लाइडर उड़ाने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन ग्लाइडर के सस्ते नशा तो पता ही है आप कैसे करता है ये। अब पता नहीं ये कौन सी सिगरेट विगरेट मार के आया था यार।
तरह से वहाँ पी कर आया था, साला उड़ता ही नहीं है। लेकिन हमको एक बात का फ़ायदा हो गया, ये जहाँ ठुकता है ना वहाँ पे हमें बंदे मिल जाते हैं। अब देखो उन बंदों ने कितना गंदा फायर किया हमारे ऊपर और हमने उनको कैसे मारा। तो गाइस फाइनली हमें दोनों बंदे मिल जाते हैं और मिलने के बाद ये गंदा फायर देते ना वो देखने लायक था। और शायद से मैं पता नहीं कैसे बच गया वहाँ से, बस बच गया। अब गाइस अगर मैंने इन दोनों बंदों को मार देना तो आपको एक लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा, प्लीज कर देना ठीक है। चलो अब मारते हैं अब भाई। हमारे लाइन भैया कहते हैं कि यहाँ बंदा है, वो बार बार मार्क भी लगा रहे थे लेकिन दिखाई नहीं देता। पता नहीं यार अपने लाइन भैया कहाँ से देख लेते हैं, कैसे देख लेते हैं ठीक है। अब मैं सोचता हूँ कि यार एम फोर पे टीएक्स लगा के मारता हूँ। अब जैसे ही एम फोर पे टीएक्स लगाता हूँ मुझे पत्थर के पास एक बंदा स्पॉट होता है और मैं उसको भर देता हूँ। एक यहीं साफ बना है केरा। अरे ये रहा, अरे एक्सेलेंट बेस किल। सो तो गाइस अगर आपको ये वाला गेम प्ले पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना, मतलब लिख देना ठीक है। बाकी अगर जिसका भी कमेंट सबसे प्यारा होगा ना मैं उसको पिन कर दूंगा। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार अगर आपको ये वाला गेम प्ले पसंद आया हो तो। मैंने डबल लाइन बोल दी ठीक है, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आप समझ ही गए होंगे। सही बात। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। आवाज़ आ रही है तेरे को मेरी?